हमको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि टेंसेस यूज करते क्यों हैं, उसका यूजर्स क्या है, राइट right? आप यहाँ से एक हेल्प ले सकते हो. जैसे कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, वेयर टू यूज हैज, वेयर टू यूज हैव, मैम सब आता है, सिर्फ हैज हैव कहाँ यूज करना है वो समझ में नहीं आता है. आपने कहा मैम मैं कल 2 बजे तक कर लूंगा, मैं कल 3 बजे तक कर लूंगा, या फिर इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं पढ़ रहा होऊंगा. हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप, आई वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला. सुना तो होगा आपने, सब मो माया है और मैं हूँ माया मैम. तो मैं आपकी इंग्लिश की जर्नी को और मज़ेदार शानदार बनाने के लिए आ गई हूँ. और आज ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, ये इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द टेंसेस. तो आज हम इस लेक्चर में द टेंसेस को इस तरह से कवर करेंगे कि इसके बाद हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी. इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट मी, लाइक हु आई एम. सो आई एम फ्रॉम देहरादून, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015. मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटोरशिप, गाइडेंस प्रोवाइड की और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज IIT बॉम्बे, रुड़की एंड बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में दे आर एक्चुअली स्टडिंग. सो आई होप इतना बहुत है. तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक द टेंसेस. ओके, सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले टेंसेस को सुन के ख्याल आता है कि बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही लेंथी टॉपिक है, क्या क्या करना है, क्या क्या याद रखे, क्या क्या ना याद रखे. तो हे वी गो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन के बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम फ्रेम. ओके, सो टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है, देन एस्पेक्ट. ओके, एंड डायग्राम से समझेंगे कि टेंसेज एक्चुअली है क्या, क्यों यूज करते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है. आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ रूल कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसेज व्हाट, वाई एंड वेयर टू अप्लाई. ओके, एंड देन द इम्पोर्टेंट एरास, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. And the most important examples. So, bina example ke you are not supposed to be do your tenses. So, you might be wondering ki jo tenses hai ye hum log childhood se pad rahe hain. First class, second, third, fourth, everywhere. Chote chote forms mein pad rahe hain. Aaj tak humko kyun samajh mein nahi aata ki what is actually or exactly the tenses. So, sabse pehle as I discussed ki humko ye samajhna important hai ki tenses use karte kyun hai, uska uses kya hai, right? So, introduction mein kya padhenge ki ye jo iski you can say जो इसका invention या जो इसकी history है वो कहाँ से आई है, जो tenses है उसका work क्या है और tenses हमारी life से इतना connected कैसे है. So whenever you are going to discuss tense, so यहाँ पे you देख रहे हो the word tense is derived from Latin word. तो जो भाई ये tense है ये कहाँ से आया है, ये Latin word है जिसका meaning क्या होता है, time. So the word is tempus. Tempus मतलब टाइम, समय. ठीक है, सो वी आर हैविंग 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस, दैट इज नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट एंड द 3rd इज फ्यूचर. इन तीनों के अलावा और कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में ही चीजों को समझना है. ओके, नाउ यू हैव वन मोर डाउट कि मैम ये टाइम बता किसका रहा है, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, ओके, किसका बता रहा है बच्चों, एक्शन का टाइम बता रहा है. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट, आई वॉज टीचिंग यू पास्ट, आई विल बी टीचिंग यू फ्यूचर. दैट मीन्स एक ही टास्क है, वो कब हो रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन बता रहा है. सो यू कैन से इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन. जो एक्शन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ. सो दिस इज ऑल. सो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क कि भाई टेंसेस क्या होते हैं, सो यू हैव टू से इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन. जो टेंस है वो एक्शन कब हुआ वो बताता है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम. सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिर्फ 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, आपका चाइल्डहुड, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर. जो चाइल्डहुड वो आपका पास्ट था, जो ऑलरेडी चला गया है,
जो वापस नहीं आ सकता, और जो प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और जो फ्यूचर जो आने वाला है, जो अभी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, ओके, दैट इज फ्यूचर. सो आई होप इतना क्लियर है आपको. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. नाउ हे यू आर गोइंग टू डिस्कस कि एक्चुअली इनके यूजेस क्या है, प्रेजेंट टेंस का क्या यूज है, पास्ट टेंस का क्या यूज है, एंड द फ्यूचर टेंस कब यूज करेंगे, राइट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, सो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा सिनेरियो, कोई भी ऐसा डेफिनेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो. प्रेजेंट में मतलब बोलते वक्त, प्रेजेंट में मतलब कोई ऐसा वर्क रूटीन जो आप डेली करते हो, कोई ऐसा वर्क रूटीन जो कि जरूरी नहीं है कि आप जब बोलो तो ही हो. सिंपल शॉर्ट, ऐसी चीजें, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा हो. आई गो टू स्कूल, जा रहा हूं. आई ईट एन एप्पल, खा रहा हूं. सो इट इज लाइक दैट. ओके, देन द पास्ट. अब पास्ट की बात होती है, पास्ट की बात होगी तो यू हैव टू से कि यार पास्ट में ये किया था, प्रेजेंट में ऐसा कर रहा हूं, और फ्यूचर में ऐसा करूंगा. ओके, सो पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन, सिचुएशन, कंडीशंस, क्लॉजेस दैट वाज ऑलरेडी डन इन पास्ट, दैट इज ऑलरेडी डन इन पास्ट. जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे जाता था. हम लोग स्टोरी नैरेट करते तो पास्ट टेंस सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है. वाइल नैरेटिंग योर स्टोरीज, जब हम लोग स्टोरी प्लॉटिंग करते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा, पास्ट टेंस यूज करते हैं, बिकॉज हमारी जो स्टोरी है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्यूचर टेंस एक्सप्रेशंस. ना तो फ्यूचर मीन्स प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन where we are planning for upcoming thing. यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं IAS officer बनूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं teacher बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं army officer बनूंगा. ये सारी जो plannings हैं, ये करूंगा, घूमने जाऊंगा, shopping करूंगा, everything comes in future. Because आप वो currently कर नहीं रहे हो, आप future के लिए plan कर रहे हो, right? So I hope ये basic चीजें आपको clear हो गई होंगी कि प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस अनचेंजिंग रिपीटेड रिकरिंग एक्शंस. ओके, पास्ट जो ऑलरेडी हो चुका है, जो आपकी चीजें हैं पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं, यू आर नैरेटिंग, यू आर डिस्कसिंग अबाउट इट, कल ये किया था, कल वहां गया था, राइट. एंड द फ्यूचर जो आप प्लान करोगे फॉर योर अपकमिंग टाइम, राइट. सो आई होप ये बहुत ईजी था, समझ में अच्छे से आ गया होगा. अब यहाँ पे बच्चों टाइम की ना चार एक काइंड ऑफ थिंग्स आ जाएंगी. सपोज करो आपके घर पे आपके चार कजन ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स हैं. सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, रियल ब्लड, रियल भाई बहन. कजन्स मतलब जो आपके मैटर्नल एंड पैटर्नल रिलेटिव के बच्चे होते हैं, वो आपके कजन्स होते हैं, ठीक है. वर्ब टेंसेस में ऑल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट. एस्पेक्ट का क्या मतलब है, एस्पेक्ट रेफर टू द नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब बाय द वर्ब. ओके, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन, राइट. एक्शन कैन बी एनीथिंग, उठना, खाना, सोना, नाचना, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग. ओके, सो यहाँ पे चार तरीके के बिहेवियर्स आ जाएंगे. सपोज दैट आपका जो कजन है वो बहुत चुप चुप रहता है, वो बहुत पोलाइट है, वो बिल्कुल बात नहीं करता, ही इज वेरी सिंपल. सो दैट मीन्स यू हैव टू टेक इट कि बहुत सिंपल कजन है, बहुत छोटी छोटी बातें बोलता है और चुप हो जाता है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट में बात करता है, बहुत ही सिंपल है, सोबर है. ओके, बट एक ऐसा कजन होता है, सेकंड कजन की बात करते हैं, जो बस सब देखो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, कंटिन्यूअस बोलता रहता है, इन सेंस कि कुछ ना कुछ कर रहा होता है, फ्री कभी नहीं बैठता. मींस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज इन प्रोग्रेस, द वर्क इज गोइंग ऑन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, continuous. Okay, now I'm talking about the third cousin. The third cousin है भाई, वो बहुत perfect है. Perfect in the sense कि जो बच्चा फटाफट से मम्मी ने कहा होमवर्क करो, कर लिया, मम्मी ने कहा खाना खाओ,
कर लिया, मम्मी ने कहा घूमने जाओ, हो गया. सो ही इज वेरी वेरी फास्ट. ओके, बहुत फास्ट है, राइट. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई ऐसा वर्क जो फटाफट से हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट न्यू वन, एक खत्म दूसरा स्टार्ट, एक खत्म दूसरा स्टार्ट, दैट मीन्स ऐसा कजन जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, एक काम करता है दूसरा स्टार्ट, एक काम करता है दूसरा स्टार्ट, खत्म स्टार्ट, खत्म स्टार्ट. दैट मीन्स जब परफेक्ट की बात होगी तो आपका जो वर्ब है, आपका जो एक्शन है वो हो चुका होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. अब फोर्थ कजन, सिस्टर, ब्रदर, व्हाटएवर, जो भी आप लेना चाहते हो एग्जांपल में, वो कैसा है कि वो ना एक टाइम, एक चीज को बहुत लंबा टाइम लगा देता है करने में. मतलब अगर मैंने उसको कहा कि खाना खाओ तो दो घंटे तक खाना ही खा रहा है, मैंने कहा रो तो दो घंटे तक रो रहा है, मैंने कहा पढ़ो तो पढ़ ही रहा है. मींस उसकी जो एक्टिविटीज है, उसका जो एक्शन है, वो एक टाइम टेकिंग है. सो आई होप जो हमारे सबहेड्स हैं यहाँ पे, इसको हम लोग सबहेड्स बोलते हैं, ये आपको क्लियर होगा. हमारी जो हेडिंग्स है, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर इंडिविजुअल हेडिंग में फोर सबहेड्स आ जाएंगे. आई होप ये क्लियर है. तो सबसे पहले क्या पढ़ा, टेंस क्या होता है. सो टेंस क्या होता है, इट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन. जो टेंस है वो टाइम है, और वो टाइम किसका बता रहा है, एक्शन का टाइम बता रहा है. क्लियर है, ओके. नाउ अब इसमें भी कैटेगरीज हैं कि वर्क किस किस लेवल पे हो रहा है, राइट, सेंटेंसेस किस किस फॉर्म पे बन रहे हैं. सो सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. और मैंने जो आपको कजन वाली ट्रिक बताई है, अगर आप उसे वैसे याद रखोगे तो फिर कभी कोई इश्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, ओके. नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस है. नंबर वन, रूट टेंस. सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेस क्या होता है, टेंसेस टाइम बताता है किसका, एक्शन कब हुआ है. ठीक है, एक्शन कैन बी एनीथिंग, सोना, घूमना, रनिंग करना, कुछ भी, राइटिंग करना, एनीथिंग. ओके, नाउ देन द थर्ड, दिस इज थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, लाइक यू कैन से, नॉट स्ट्रक्चर्स एक्चुअली, यू कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब रूट्स है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एज आई टोल्ड यू, सिंपल कजन, देन कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो जो सिंपल कजन था, जो छोटी छोटी चीजें करता है, फिर जो सेकेंड कजन है वो थोड़ी सी यू नो टॉकेटिव है, गैरुलस है, उसका वर्क चल रहा है होता है जब भी हम उससे बात करते हैं. एंड देन द परफेक्ट, जिसमें वो एक वर्क फिनिश कर चुका होता है, दूसरा करने वाला होता है. एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम होता है. ओके, सो दिस इज ऑल. तो ये सभी जो है, ये तीनों में आ जाएगा. सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल के बाद जो सेकेंड वन है, दैट इज कॉन्टिन्यूस, एंड देन द परफेक्ट. ओके, एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगेन सेम थिंग, वहां पे प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, एंड देन द फ्यूचर. वही सेम चीज जो अभी हमने डिस्कस की, कि वो चार कैटेगरीज जो हमारे कजन्स की प्रेजेंट में है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में थी, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड देन फ्यूचर में होगी, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो ये आप 12 सबहेड्स को अगर कर लोगे तो फिर कभी टेंसेस आपको परेशान नहीं करेंगे. डे टू डे लाइफ में हम लोग टेंसेस के यही तीन चीजें यूज करते हैं, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, या फिर फ्यूचर होगा. ओके, सो अब हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं इनके यूजर्स के बारे में. सो दिस इज ऑल, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर फॉर योर मोर कन्वीनियंट, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखने फॉर्म पे भी, रिटन फॉर्म पे, इनडेफिनिट, सिंपल. सिंपल मीन्स, एज आई टोल्ड यू, बहुत ही पोलाइट, प्यार वाली सेंटेंसेस, इजी इजी सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं, जनरल ट्रूथ डील कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेली बेस्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं. सो द थ्री इंडेफिनेट टेंसेस, सिंपल टेंसेस, डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हम लोग दे रहे हैं, वो काम हो गया है, वो उसका स्टेट क्या है,
वो डराइव नहीं करेगा. सिंपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. टू एंड टू मेक्स फोर, राइट. इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल थिंग्स, है ना. नाउ नेक्स्ट वन, कॉन्टिन्यूस. जो हमारा कॉन्टिन्यूस टर्म है वो आपके वर्क का एक प्रोग्रेसिव टर्म बता रहा है कि वो जो काम था वो कितने टाइम तक हुआ था. मैं सो रही थी, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही होंगी. तीन चीजें बता दी मैंने. आई वॉज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू. दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर प्रेडिक्टिंग, यू आर शेयरिंग दैट योर वर्क इज इन प्रोग्रेस. ओके, जो वर्क है वो चल रहा है, ये रहा. और जो एक्शन है वो फिनिश नहीं हुआ है. देन द परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट जहां पे आपका जो एक्शन है वो ओवर हो गया है, फिनिश हो गया है, टास्क अकम्प्लिश्ड, मिशन सक्सेसफुल. तो उसमें कैसा होगा, परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में आप हमेशा आपके उस टास्क के बारे में बात करोगे, उस एक्शन के बारे में बात करोगे जो ऑलरेडी हो चुकी होगी, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी. ठीक है, इसमें कोई ना और हाँ नहीं होगा, इसमें कोई 50-50 नहीं है. कंप्लीटेड टास्क के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे. एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सपोज करो कोई ऐसा वर्क है जो आप कर रहे हो और आप उसके लिए प्रिटी श्योर नहीं हो कि वो हो गया है या वो कब तक चलेगा. वी नेवर नो, राइट. तो उस टर्म पे वी आर गोइंग टू यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. यू कैन से पीसी, राइट. प्रियंका चोपड़ा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, इजी पीजी. ऑलराइट, नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन टेक अ रेफरेंस. आप यहाँ से एक हेल्प ले सकते हो. जैसे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है, वेयर टू यूज हैज, वेयर टू यूज हैव. मैम सब आता है, सिर्फ हैज हैव कहाँ यूज करना है वो समझ में नहीं आता है. इज एम आर कहाँ यूज करना है वो समझ में नहीं आता है. सो एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज अ सिंपल फॉर्म, देन प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म. सो ये क्यों गिवन है, ये आपको समझाने के लिए दिया है कि जितना डीपली आप इसको एनालाइज करोगे, जितना डीपली आप इसको समझोगे, उतनी ज़्यादा ईजिली आपको टेंसेस समझ में आ जाएंगे. और आज के बाद जो ये टेंसेस है ना, ये आपको बॉदर नहीं करेगा. फिर आप हेजिटेट नहीं होगे, आई हैज और हैव, राइट. सो दिस इज ऑल. नाउ यू कैन सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कौन सा फॉर्म यूज किया है बच्चों, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको वी कैन से V1, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. नाउ व्हाट इज दिस एस एन ई एस फॉर्म. सो ये थोड़ा ध्यान से समझना. इफ यू आर हैविंग योर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज होगा, V1 प्लस एस एन ई एस फॉर्म. आई नेम्ड इट V5. ठीक है, V1 प्लस एस एन ई एस, क्या बोल सकते हैं, V5 कंसिडर करके चलते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, गो. सो गो इज अ V1. अब गो को मुझे शी के साथ यूज करना है, तो मैं शी गो टू मार्केट तो नहीं बोल सकती. आई नीड टू एड अप एस और ई एस, सो आई हैव टू से goes, she goes to market. So whenever you are dealing simple present tense, you have to keep here V1, verb ka first form. Okay, is this clear, easy hai? Agar aapka subject plural hai to V1 aayega, agar I hai to V1 aayega, but agar aapka subject singular hai to kya aayega, V5 आएगा, V1 प्लस एस एन ई एस फॉर्म आएगा. नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अलोंग विद फर्स्ट फॉर्म एन आई एन जी मीन्स V4. हम इसको एक नाम यहाँ पे रख देते हैं इट्स वर्ब के फॉर्म को, इट्स अ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो V1 हो गया,
V2, V3, V4 एंड V5 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. V1 प्लस S एंड ES फॉर्म इज V5 एंड V1 प्लस ING इज V4 फॉर्म. ओके, सो क्वाइट ऑब्वियस, आई एम, शी इज एंड यू आर. अगेन सेम लॉजिक, आई होगा एम के साथ फॉलो होगा, दे होगा प्लूरल सब्जेक्ट, आर सिंगुलर सब्जेक्ट, इज. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव. अगर आपने सब्जेक्ट के यूजेस को अच्छे से यहां पे इंप्लाई कर लिया, फिर कोई भी हैज हैव में डाउट नहीं होगा. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा. एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 वर्ब थर्ड फॉर्म मींस आपका वर्क कंप्लीट हो गया, परफेक्ट. ओके, एंड देन द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो अगेन द सेम लॉजिक, सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, राइट? ये इतना तो समझ में आ गया होगा ये ग्राफ को समझकर, या अब इसके बाद कोई सिली मिस्टेक नहीं करेंगे कि मैम हैव कब यूज करते हैं, हैज कब यूज करते हैं. दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर को डिराइव करता है कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. एंड देन V4, अगेन V4, ठीक है, V4 के पहले been means you are showing, you are reflecting, your work is going on बहुत long time से. Past में start हुआ, present में चल रहा है, future तक चलेगा. Okay, so I hope ये जो present वाला format है V1, V2, V3, V4, V5 ये आपको clear है. इसके बाद आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है. Number 1, V1 verb के forms, and number 2, अगर singular subject है तो कौन सा helping verb आएगा, and the plural subject है तो कौन सा helping verb आएगा. Again I'm repeating, singular subject has, plural subject have, singular subject is, plural subject are, and I is exception. तो I have he आएगा, I has नहीं होगा. I is a pronoun, तो प्रोनाउन के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो करोगे. इतना क्लियर है? और यहां पे एम आ जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल. अब बात करते हैं सेकेंड हेडिंग की, दैट इज पास्ट. तो पास्ट मतलब वर्क हो गया, कंप्लीट है, ठीक है. सो यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, आई वेंट टू स्कूल, आई एट एन एप्पल, आई वेंट देयर, आई विजिटेड ताजमहल. Means आपका जो वर्क है वो हो गया है. तो है ना, आप यूजिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑलवेज, ठीक है. अगेन सेम लॉजिक, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर आएगा. आई वॉज गोइंग टू मार्केट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल. सो इट्स अगेन वर्ब फोर्थ फॉर, ओके, फोर्थ फॉर्म V4. ओके, नाउ पास परफेक्ट. अब इस केस में, पास के केस में क्या होगा बच्चों, परफेक्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही आएगा, बिकॉज आपका जो वो वर्क है वो तो पास में हो चुका है ऑलरेडी. तो जब पास में वो वर्क हो चुका है तो आप क्या करोगे, पास्ट ही करोगे, है ना. एंड दैट इज, यू कैन से इट्स अ वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म. वाई? बिकॉज ये परफेक्ट वाला कजन है जो सारे काम को फटाफट कर लेता है, इजीली कर लेता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हैड बीन एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म, अगेन सेम थिंग. यहाँ पे भी पास वाले में नहीं, स्यापा ही नहीं है कि हैज आएगा, हैव आएगा, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ क्लियर है. पास्ट में वर्ब सेकेंड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हो गया. वर्ब फोर्थ फॉर्म क्लियर है, वॉज एंड वार आ जाएगा. एंड द परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको हैड ही यूज करना है. हैड का मतलब हो गया, मतलब पास्ट था, ठीक है. नाउ इट्स अगेन हैड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, बीन दैट इंडिकेट्स आपका वो वर्क हो रहा था कॉन्टिन्यूस, एंड देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट. सो इतना हो गया. नाउ लास्ट वन, फ्यूचर.
अभी एक और क्वेश्चन था कि मैम शेल कब यूज करते हैं, विल कब यूज करते हैं। तो बच्चे शेल यूज करते हैं फर्स्ट, शेल यूज करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे भाई? शेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बोलो? शेल यूज करेंगे, एस एच ए एल एल। I shall go to market. We shall go to pub, club. Okay. So this is an example of ये first person है, तो first person हमेशा shall के साथ use होगा, S H A L L. कुछ लोग shall, shall. Okay. ऐसे pronunciation बोलते हैं इसका. So I hope अब इसके बाद आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मुझे shall use करने में problem होती है, मुझे will use करने में problem होती है। I hope ये इतना clear है कि जब हमारा subject I और we होगा, हमारा doer I और we होगा, तो हम लोग shall use करेंगे, और जब हमारा doer normal like they will, she will, we shall, ठीक है, तो ये करना होगा। अच्छा एक और डाउट आ रहा होगा मन में कि मैम अगर शेल के बदले विल कर दिया तो बच्चा दोनों एक्सेप्टेबल है अभी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने विल के बदले शेल यूज किया है तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। आप विल यूज कर सकते हो, आई विल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड आई शेल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नाउ हियर फ्यूचर विल शेल, विल शेल क्या शो कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, करूंगा, करेगा, करूंगी, राइट। एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो टू स्कूल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। फ्यूचर बात हो रही है, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस हो रही है, हम लोग कॉन्जेक्चर कर रहे हैं चीजें, हम लोग सोच रहे हैं कि कल ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। यू हैव टू यूज शैल एंड विल। नाउ कम टू दिस प्रोग्रेसिव वन, कॉन्टिन्यूस वाले पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, विल बी फर्स्ट फॉर्म, एंड अगेन आई टोल्ड यू यहाँ पे वी फोर, इट मीन्स बी का क्या वर्ब है, बी का क्या मीनिंग है, सो इट्स विल बी, कर रहा हूंगा, मैं सो रहा हूंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, I will be roaming here and there. Right now, I'm just informing you about my future task, about my future plans. कि मैं कल क्या कर रहा हूँगा, कल मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूँगा, everything. So that comes in future continuous, progressive भी बोल सकते हैं. Now next is perfect. अब मैंने आपसे एक अश्योरिटी मांगी कि बेटा ये जो होमवर्क है ना ये कब तक कर लोगे, आपने कहा मैम मैं कल 2 बजे तक कर लूंगा, मैं कल 3 बजे तक कर लूंगा, या फिर इतने टाइम तक मैं पढ़ रहा होऊंगा। नाउ यू आर गिविंग मी योर दैट अगेन फ्यूचर, कर लिया होगा, हो गया होगा, कर दिया होगा, सो अगेन यू आर यूजिंग अ फ्यूचर वर्ड दैट इज लाइक आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, I will have completed my task. ठीक है, यहाँ पे भी सेम थिंग है, सो इट्स verb का थर्ड फॉर्म, सो I will have completed, verb का थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, परफेक्ट कजन जो फटाफट से अपने सारे वर्क करके न्यू काम करता है। एंड द लास्ट वन दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वे यू आर गोइंग टू रीड, कि आप ना एक टाइम बता रहे हो कि यार कल मूवी चले, तुमने कहा नहीं यार कल तो मैं इस टाइम तक ये काम कर रहा होऊंगा, कर रहा होऊंगा, मींस एक लंबा टाइम जाएगा, एक वो जो आप एक्शन करोगे उसको टाइम लगेगा, उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 4 वो आपके कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी इजी वे टू लर्न वर्ब फॉर्म्स एंड इट्स यूसेज, ठीक है। अब आपको टेंस समझ में आ गया, आपको उसकी हेडिंग समझ में आ गई, आपको आपकी जो सब हेड्स है कहाँ पे शेल, कहाँ पे विल, कहाँ पे इज, एम, आर, यही तो गेम है बस पूरी, है ना। अगर ये आपने समझ लिया तो फिर कभी कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलो ओके, नाउ ये मैंने थोड़ा सा वापस से, आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या है, तो वापस रिकॉल करने के लिए, प्रेजेंट टेंस, हेडिंग, सिंपल
सिंपल वाला कजन जो छोटी छोटी चीजें करता है, स्कूल जाता है और बहुत चुप रहता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में डीलिंग करता है. यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल ट्रूथ, जनरल फैक्ट. यू माइट बी वॉन्डरिंग कि फैक्ट और ट्रूथ में क्या फर्क है. फैक्ट और ट्रूथ, सोचो सोचो, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या है. फैक्ट एंड ट्रूथ में क्या फर्क है? तो फैक्ट की बात करते हैं. फैक्ट का मतलब होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आई कैन नॉट मोल्ड इट, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती. बट इफ आई सेड वन एंड वन मेक्स विंडो, तो क्या ये ट्रूथ है? क्या ये फैक्ट है? नाउ यू आर वॉन्डरिंग, मैम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फैक्ट कैसे? वो तो ट्रूथ है. एग्जैक्टली. सो नाउ यू कैन से ट्रूथ, जिसको हम चेंज तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते. एग्जैक्ट वे में बोलना पड़ेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. टू एंड टू मेक्स फोर, वन एंड वन मेक्स टू. यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है. अब सपोज दैट आप एक न्यूटन लॉ से समझते हैं इसका एग्जाम्पल. सपोज करो पेड़ है, एप्पल नीचे गिरा, नीचे गिरा, अकॉर्डिंग टू लॉ ठीक है भाई, ट्रूथ है. बट अगर मैंने बीच में ही कैच कर लिया तो क्या हो गया? फैक्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई. सो इमेजिन ये है पेन है, ये मैं आपको ऐसे थ्रो करूंगी, आप कैच करोगे नहीं कैच करोगे? तो दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट. सो दैट यू कैन से फैक्ट दैट इज एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, एंड ट्रूथ दैट कैन नॉट चेंज. हाउ? वन एंड वन मेक्स टू, ट्रूथ है. वन एंड वन मेक्स विंडो, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है. ओके, सो आई होप यहां से क्लियर है आपको ट्रूथ और फैक्ट का जो मेजर फर्क था वो मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया है. इसके बाद आपको अगर कोई पूछेगा कि फैक्ट ट्रूथ क्या होता है, तो आप बिना सोचे क्विकली आंसर कर पाओगे. ट्रूथ दैट कैन नॉट चेंज, एंड फैक्ट दैट्स यू कैन से दैट इज एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल. जो ऑब्जर्व करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उस पर हम लोग अपनी टिप्पणी, अपना रिएक्शन देते हैं. ठीक है. वो सेकेंड कजन जो बोलता है बोलता है बोलता है, गैरलिस. एंड द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट वाला कजन जो कि बहुत जल्दी एक काम खत्म करता है, दूसरा स्टार्ट करता है, दूसरा काम खत्म करता है, तीसरा स्टार्ट करता है. कि आपका वो जो वर्क है ना, जिस वर्क के बारे में आप बता रहे हो, वो बताते वक्त खत्म हो चुका है, उसका कोई करंट से लेना देना नहीं है. एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब आप ये बता रहे हो कि आप कोई काम कितने टाइम से कर रहे थे, कब तक कर रहे थे और कब तक करोगे, नो आइडिया. ठीक है. सो आई कैन से आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, देन नेक्स्ट आई हैव गॉन टू स्कूल, and I have been going to school since 2011, 12, 13, whatever. जो भी आपके माइंड में एग्जाम्पल्स आ रहे हो आप उसको ले सकते हो, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस. या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर, या तो फिर पास्ट. ठीक है. ओके, सेम चीज यहां पे आ गई थोड़ी सी इलस्ट्रेटिव वे में. अभी तक हम लोग वर्बली डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे देख के करेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या करता है भाई? टू सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन. कौन सा एक्शन? एक्शन, बस एक्शन के बारे में बात हो रही है, उसका स्टेट क्या है उसकी बात नहीं हो रही है. मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, फैक्ट, ट्रूथ. ठीक है. ओके, is occurring in the present at the movement of speaking or writing. I go to school, I drive a car, I sing a song, I write a letter. Bahut sare examples hain, bahut sare structures hain. Sabse zyada important kya hai? A subject, then V1, V5, and then the medium, complement, object. ठीक है. एक करने वाला बंदा, डूअर, क्या कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है. सो दिस इज, यू कैन से डूअर, दिस इज डूअर, दिस इज
action word and this is medium. This is, you can say medium. ठीक है. सो आई होप ये इतना क्लियर है आपको. इसके बाद आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स फटाफट से बना सकते हो. सब्जेक्ट चाहिए, एक्शन वर्ड्स बहुत सारे हैं और ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. आई प्ले अ फुटबॉल, ही प्लेज अ फुटबॉल. क्या गेम है ये? फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, यही तो गेम है. ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बोलते वक्त, गैरुलस, बोलते वक्त काम चल रहा है. आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम ईटिंग माई लंच, आई एम हैविंग माई सपर, आई एम हैविंग माई मील, वट एवर इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते वक्त जो काम चल रहा है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे. सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एम्फसाइज द कॉन्टिन्यूइंग नेचर ऑफ एन दी एक्ट, यू कैन से एक्शन, इवेंट और कंडीशन. जो भी कोई एक्टिविटी, गैरुलस से याद रखना है, टॉकेटिव, चल रहा है, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस है. वर्क इट्स, यू कैन से वर्क इज इन प्रोग्रेस. ठीक है, अगेन हमको यहाँ पे डूअर चाहिए. ओके, एंड देन क्या चाहिए? अभी इट्स सिंगुलर और प्लूरल और व्हाट, वी हैव टू डिसाइड दैट. सो दैट इज, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब इज एमआर. ओके, सो इज एमआर के बाद अगेन वी डिस्कस्ड V1 प्लस ING फॉर्म इज कॉल्ड V4 एंड द लास्ट वन दैट इज ऑब्जेक्ट. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, सो यहाँ पे सिंपल है, आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, कुछ भी खेल सकते हो, टेबल टेनिस, चेस, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू प्ले. अगेन आई इज अ एक्सेप्शन, आई टोल्ड यू आई प्रोनाउन है, तो किसके साथ आएगा? एम के साथ आएगा. V1 प्लस ING V4. ठीक है, शी इज प्लेइंग एंड देन दे आर प्लेइंग. तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया. आपको यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. द परफेक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कोई ऐसा वर्क जो जस्ट खत्म हो गया एंड वी वर अबाउट टू बिगिन न्यू वन. आई हैव प्लेड, शी हैज प्लेड. ठीक है, आई हैव प्लेड, शी हैज प्लेड, द सेम थिंग. सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव, आई फर्स्ट पर्सन हैव. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास में शुरू किया, प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में जाएगा. सो द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और कंडीशन दैट हैज बिगिन इन द पास्ट, कॉन्टिन्यूअस इन टू द प्रेजेंट, इट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. ठीक है, सो आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज इन सेंटेंसेस में होगा ही होगा. क्या होगा? सेंटेंसेस में यूज होगा. आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, ओके, नाउ दिस इज पास्ट. पास्ट है, अब हमने सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया फटाफट से. यहां पर देखते हैं सिंपल पास्ट, जो चीज़ें हो गई पास में, जो चीज़ें हो रही थी पास में, जो चीज़ें हो गई थी पास में और जो चीज़ें चल रही थी पास में. ठीक है, ऐसे फटाफट से बोलेंगे तो याद रहेगा. जो चीज़ें हो गई पास में, जो चीज़ें चल रही थी पास में, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी पास में और जो चीज़ें चल रही थी पास में. ठीक है, ओके, अब फटाफट पढ़ लेते हैं. पास, जो चीजें हो गई हैं. सो द सिंपल पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इवेंट दैट इज ऑलरेडी डन, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई रिलेशन ही नहीं है, बस पास में हो गया है. सो आई प्लेड, शी प्लेड, ठीक है, वी प्लेड, दे प्लेड, सिंपल वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो. ठीक है, ओके, कॉन्टिन्यूअस, अगेन चल रही थी. I was having my breakfast. The past continuous tense is used to describe action ongoing in the past. Past mein chal rahi thi.
ऐसा हो रहा था, वो कर रहा था, वो जा रहे थे, वो सो रहे थे, वो उठ रहे थे, एंड एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वी आर डीलिंग एवरी सिंगल डे. ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग. ठीक है, वो खेल रहे थे, वो खेल रही थी, मैं खेल रहा था. ठीक है, ओके. नाउ अगेन, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रेफर टू एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब ऑलरेडी हो चुका था. आई हैड प्लेड, शी हैड प्लेड. सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, हर ही आएगा. मैंने काम कर लिया था, मैं खेलने गए, मैं खेल चुका था, ऐसे करके आप बहुत सारे है, हैव, था ही वर्ड यूज रखना है. ठीक है, ओके. पास्ट परफेक्ट, मैं ये काम कर रहा था. ठीक है, सो द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज इश्यू टू इंडिकेट कॉन्टिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट बिगन. ठीक है, इट मीन्स आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं दो घंटे तक नाच रहा था. दैट मीन्स इन दिस एक्शन यू आर टेलिंग अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस फॉर, यहाँ पे रखना है, सिंस फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंस फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, आएगा ही आएगा, सिंस नहीं तो फॉर. ओके, चलो नेक्स्ट. अगेन, करूंगा, कर रहा होऊंगा, कर चुका होऊंगा, एंड कर रहा होऊंगा इतने टाइम तक. ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसे थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं. फ्यूचर सिंपल टेंस, स्कूल जा रहा होऊंगा, खेल रहा होऊंगा, घूम रहा होऊंगा, एप्पल खा रहा होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा, लिख रहा होऊंगा, एग्जाम दे रहा होऊंगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स. द सिंपल फ्यूचर इज यूज टू रेफर एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग. मतलब अभी आप डिसाइड कर रहे हो पर करोगे कल, आप प्लानिंग कर रहे हो. ठीक है, आई शैल प्ले, शी विल प्ले. आया समझ में? शैल आई वी के साथ जाएगा, बाकी के साथ विल आएगा. ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स, फ्यूचर प्लानिंग्स जो अभी हम लोग करेंगे. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑन गोइंग इन द फ्यूचर, चल रहा होगा. ठीक है, कर रहा होगा. आई शैल बी प्लेइंग, मैं कल खेल रहा होऊंगा, मैं सो रहा होऊंगा. होऊंगा, होऊंगा वर्ड पे ध्यान देना है, तीन चीजों पे ध्यान देना, दैट इज वर्ब. ओके, शी विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, या फिर ये सब यहाँ पे यूज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जहां पे हम लोग एक्शन के पीरियड के टाइम की बात करेंगे, पॉइंट और पीरियड टाइम. ठीक है, ओके. परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड सम टाइम इन द फ्यूचर. मतलब मैं बोल अभी रही हूं पर मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रही हूं कि कल तक मैं ये कर चुकी होंगी, कल तक मैंने ये कर लिया होगा, कल तक मैंने ये दे दिया होगा. मीन्स मेरा जो वर्क है होगा तो कंप्लीट फ्यूचर में, पर मैं उस टाइम पे एक अश्योरिटी प्रोवाइड कर रही हूँ. सो आई शैल हैव प्लेड, शी विल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड, शी विल हैव प्लेड. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कल खेल चुका होऊंगा, मैं ये काम खत्म कर चुका होऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है. ठीक है, अब बात आती है कि यार तुम कितने टाइम तक खेल रहे होगे, तुम कितने टाइम तक मूवी देख रहे होगे, तुम कितने टाइम तक पढ़ाई कर रहे होगे. इट मीन्स द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट कॉन्टिन्यूइंग एक्शन विल बी कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफाइड स्पेसिफिक स्पेसिफाइड टाइम. आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो कि दो घंटे में इतना कर चुका होऊंगा, तीन घंटे तक पढ़ रहा होऊंगा, दो घंटे सो रहा होऊंगा, एवरीथिंग. यू हैव टू मेंशन योर टाइम, सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर को नहीं भूलना है, इसको साथ में रखना है, सिंस और फॉर को साथ में रखना है. आई शैल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग. ठीक है बच्चों, आई होप ये जो तरीका हमने चूज किया ये आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सिर्फ इन तीन गेम को समझ लोगे, एवरीथिंग विल बी
ओके चलो अब फटाफट से लास्ट में सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको वापस से ब्रशअप हो जाए कि एक्चुअली हमने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग. पूरा जो गेम है ना वो वर्ब का है. वर्ब समझ गए तो टेंस समझ में आ जाएंगे. ठीक है, आई प्लेड, I was playing, I had played, I had been playing. इसका मतलब हुआ past, continuous, perfect and perfect continuous. तो simple है, action के बारे में बात हो रही है, कब हुआ, कितने time में हुआ, कैसे हुआ, everything. And the future, I shall play, I shall be playing, I shall have played, I shall have been playing. या तो अभी कर रहे हो, या तो past में कर चुके थे, या तो future में करोगे. ये तीन चीजों का ही तो क्वेश्चन है. ओके, सो आई होप ये क्लियर है. अच्छे से पढ़ा, टेंस से सारे डाउट क्लियर हुए होंगे. सो बेस्ट विशेस, पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसे ही अपने आप को बूस्ट रखो. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.